सरकार के फोरलेन प्रभावितों के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक का समय बीत जाने पर फोरलेन संघर्ष समिति ने 2 अक्टूबर से मंडी जिला मुख्यालय पर क्रमिक अनशन पर बैठने का निर्णय लिया है। अगर सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल होती है तो इस पर निर्णय कर पुनः विचार किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 15 सितंबर तक उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन बैठक नहीं हुई। समिति ने अब पूरे प्रदेश में बनने वाले 60 से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रभावित जनता के बीच जन जागरण अभियान चलाने के लिए कमर कस ली है। जहाँ तक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट का सवाल है, इस एक्ट को यहाँ लागू किया गया है बगैर सोचे समझे, क्योंकि ये प्लेन्स एरिया के लिए तो बहुत सूटेबल है। और अगर नई बस्ती बसानी हो, नया शहर बसाना हो, नया गांव बसाना हो, उसके लिए भी बहुत आइडियल है। लेकिन जो ऑलरेडी थिकली पॉपुलेटेड शहर है, टाउन्स है, गांव है, वहाँ के लिए बिल्कुल भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि पहले ही हम ओवर क्राउडेड गाँव में रहते हैं और गांव में जगह नहीं होती है। इसके इसमें होता है कम से कम 4-20 जगह चाहिए एक मकान बनाने के लिए। उसमें भी 2 कमरे का मकान जो है 2-3 मंजिल तक बन सकता है, लेकिन हमारी लार्ज फैमिली है और लिमिटेड सोर्सेज ऑफ लैंड है। इस अवस्था में हम इस टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को खास करके विशेषकर गाँव में ये ठीक नहीं है, सूटेबल नहीं है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। अगर लगाना ही है गवर्नमेंट ने तो कोई मॉडिफाइड तरीके से लगाया जाए, तो इसके जो नॉर्म्स हैं उसको रिलैक्स किया जाए, जैसे इसके सेटबैक्स हैं 3 मीटर है, 1 मीटर रखा जाए या 2 फुट रखा जाए, इस तरीके से अगर इसको लगाते हैं तो। सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आज कुल्लू में पूरे संयुक्त संघर्ष समिति के पूरे हिमाचल लेवल की बैठक थी, जिसमें पूरे हिमाचल से इसमें प्रतिनिधि आए थे और दूसरे जितने भी संगठन हैं वो भी हमारे साथ आज खड़े थे। और बड़ी सकारात्मक चर्चा रही और बेसिकली 3 मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई। एक तो जो 4 लेन से जुड़ी हुई हमारी सरकार से वार्ता का सवाल था, जिसमें आज सुबह भी हमारी माननीय जो वन मंत्री हैं गोविंद जी से बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है 25, 26, 27 को इसके बारे में एक उच्च स्तरीय बैठक जो है शिमला में होगी। देश दुनिया अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए NV News YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।